Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारा देश अपनी कई विशेष जगहों के लिए जाना जाता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक अनोखी और भुतहा जगह है धनुषकोड़ी, जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। यह जगह भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जो कि मात्र 50 गज की लंबाई में फैली हुई है। कई सैलानी दिन के समय यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन इस जगह का खौफ इतना बढ़ चुका है कि अंधेरा होने के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है और सभी लोग रामेश्वरम के लिए निकल जाते हैं। पहले धनुषकोड़ी में चर्च, होटल, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस जैसी सभी सुविधाएं थीं और कई लोग यहाँ रहते थे, लेकिन 1964 में आए भयानक चक्रवात ने सब नष्ट कर दिया। कहते हैं कि तब 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। उसके बाद से यह जगह बिल्कुल सुनसान है। मान्यताओं के अनुसार धनुषकोड़ी ही वह जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण होना शुरू हुआ था। कहते हैं कि इसी जगह पर भगवान राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिसमें से होकर वानर सेना लंका जा सके, जहां रावण ने माता सीता को हरण करके रखा था। इस जगह पर भगवान राम से संबंधित कई मंदिर मौजूद हैं। कहते हैं कि रावण के भाई विभीषण के अनुरोध पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था, इसीलिए इसका नाम धनुषकोटी पड़ा। धनुष का मतलब तो आप जानते ही हैं और कोटी का मतलब होता है सिरा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.